भाई ये तो गांव का नाम था मौली लॉन्ग। नहीं नहीं इसका नहीं मौली लॉन्ग रिवाई। और जो हम जिस गांव में जा रहे थे उस गांव का नाम है क्या नाम था? मौलिन लॉन्ग। मैं लिख दूंगा, मेरे को खुद को बोलना नहीं आता। तो ये वही वाला गाँव है ना, तो एशिया का सबसे बड़ा क्लीनेस्ट गाँव है। तो जहाँ से हम लोग आए ना वहीं से मतलब आगे तरफ जा रहे हैं, ठीक है? मिलते हैं आगे तरफ में। चलो सो भाई हम लोग पहुँच गए इस टाइम पे मौलिन लॉन्ग विलेज। बोलते ना भाई ने बोल दिया। सो भाई ये विलेज अभी तो मेरा काम है कूड़ा ढूंढना है, भाई कूड़ा मिलेगा नहीं। बट जैसा माहौल दिख रहा है ना, ये देखो ये ना बोर्ड लगा हुआ, और देखते हैं कि हमें यहाँ पे कितनी गंदगी मिलती है कितनी नहीं मिलती है, ठीक है? सो आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है? भाई को पता नहीं ना कि मैं एक हाथ गाड़ी चलाई कैमरा भी चला के तो होल्ड करके चला सकता हूँ, मतलब धीरे धीरे पता चलेगा। काफ़ी लंबा टाइम है साथ में भी, कम से कम 4 महीने में साथ ही है। ओके सो भाई लिटरली दिस विलेज इज लुकिंग लाइक आउटसाइड फुली क्लीन। में विलेज कहाँ से लग रहा है? पार्किंग आई थिंक सुनो, इट्स पार्किंग। सो भाई गाड़ी को पार्क करते हैं फिर मिलते हैं। आई मीट विद दिस अंकल एंड ही जस्ट लुक मी एंड से यू फ्रॉम दिल्ली? That guy is saying, okay, hey man, I'm from also Chennai. He said, Ille. It's good man, it's good. Thank you. Okay. So let's go man. चलो भैया चलो, no entry is for like bike or car, all this thing. See man, totally clean man, totally clean, everything. See. Bamboo seat. बम्बो की मतलब बनी हुई मतलब क्या कहते हैं सोफा टाइप का जो भी है चेयर वेयर ऐसा बना हुआ है ये। ओके ओके ये वो बन रहा है ना मेरे ख्याल से सी ट्री हाउस, मतलब वहाँ से स्टार्ट है और ये ट्री हाउस ऐसे चलते हुए ये तो ऊपर से ये देखो वो ऊपर देखो ट्री हाउस, ट्री हाउस बन रहा है। हाँ ट्री हाउस बन रहा है, ट्री हाउस बन रहा है भाई वहाँ पर देखो ना बन रहा है। हाँ बन रहा है वो। एक चीज़ और यार आपको मुझे पता हुआ था, मैं काफ़ी दिन टाइम से घूम रहा हूँ यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, जितना भी एरिया ना भाई सारे 31st से पहले का और 31st से पहले का और 31st के बाद जो भी पूरा नहीं है लोग मतलब गाना वाना गाने में पूरा सेलिब्रेट करने में लगे हुए। इट्स अ स्मॉल पार्क, पीपल आर एंजॉइंग इट हियर, प्लेइंग सम गेम, डांसिंग। दिस इज अ वेरी कूल चीज़ है, यू कैन मीट हिम, इट्स लुकिंग सो क्यूट। नो Come. He's scaring with me now. What's your name? Brandon. Brandon. See, come this way. See his face. Oh my God! Oh. Don't run. I'm going. I'm going. Now he's happy. Church. This church is built in. This found it 1902 में फाउंड किया गया। बंदा मिला लोकल यहाँ पे, उससे पूछते हैं चर्च के बारे में। सी यार साउथ स्टैंडिंग। सो वन ऑफ द गाय वी फाउंड समवन टू टेल अबाउट दिस प्लेस। वेट शो So I found this guy, he's helping me to like someone like who will tell about this place because it's too old. We can enter it as well, no? Yeah. फिर वही बात, आप किसी अच्छी तरह बात करोगे तो आपको एक्सेस मिलेगा। हेरे को मेरे चक्कर में बंदे ने मतलब बंद है इस भाई ने चाबी लेके इस जगह पर खोला। दिस इज माई फर्स्ट टाइम आई एम एंटरिंग इन द चर्च। सी या Outstanding. Oh. Oh, it's good. Holy means holy. Yes. Holy means what in Khasi? Uh-huh. Bakhoi. Bakhoi. Yeah. Bakhoi means in Yes, in Korean.
Okay, okay, okay. Hoggy. Hoggy plays. Okay, okay. And this one, like, someone is talking. Yeah, exactly. Okay. Like, okay, okay. This is my, you know, this is my first time I came out, like, came to, like, I mean, come to in this place. Okay. Church, yeah. This is my first time because of you, man. I've been, like, I saw a lot of church, but I didn't enter inside. Oh, yeah, yeah. But it's really good. So, because of this guy, he just opened that door and I come to this place. It's very outstanding place. The village is outstanding, as I said. कि काफ़ी पुराना विलेज है, ऊपर से चर्च भी 1902 का चर्च है यार, बहुत पुराना चर्च है। अभी तो मतलब बंदे लोग बहुत कम आते हैं, लोकल ही लोग यहाँ पे आते होंगे शायद ना, सो लोकल ही लोग अभी यहाँ पे आते हैं। अच्छा आपको याद है मैंने चेक नहीं किया इसको, इन्होंने एशिया का सबसे क्लीन विलेज कब कब बताया था इसे? ओके, व्हेन दैट व्हेन दिस प्लेस इज कम अंडर लाइक एशिया बिगेस्ट क्लीनेस्ट विलेज। ओके हाँ, 2003 में मतलब इस विलेज को मतलब बताया गया था कि एशिया का पूरा सबसे क्लीन विलेज है। इवन ये आपकी देख सकते, यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया, ऐसी जगह आपको कहीं मिलेगी, आपको कहीं ना कहीं रैपर कुछ ना कुछ सही चीज़ें मिल जाएगी। तो गंदा यहाँ पे देखो, कुछ भी आपको ऐसा नहीं दिख रहा होगा, कैमरे में देखो कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा होगा, एवरीथिंग इज़ क्लीन। सो थैंक यू सो मच टू दिस ब्रो टू हेल्प मी टू एक्सप्लोर दिस प्लेस, दिस इज़ रियली वेरी गुड प्लेस मैन, थैंक यू ब्रो। इस जगह पे आपको होम स्टे काफ़ी सारे मिल जाएंगे, अगर आप चाहो तो यहाँ पे रुक भी सकते हो, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। कुछ लोकल मतलब आपको रेस्टोरेंट यहाँ मिल जाएंगे, चर्च काफ़ी अच्छा है, लोगों से बात करो, लोग मतलब आराम से बात करते हैं, कोई मतलब चिक चिक बाजी नहीं कि हाँ मतलब क्यों ऐसे आ रहे हैं। मतलब लोग काफ़ी लोगों ने ऐसे फीडबैक दिया था कि ये जगह उतनी ठीक नहीं है, लोग उतने कोऑपरेटिव नहीं होते, बट भाई अभी तक हमारे साथ तो काफ़ी अच्छा हुआ। विलेज रियली बहुत क्लीन है और काफ़ी ठीक भी है यार, मतलब अगर आप आ रहे हो यहाँ पर टाइम निकाल के आना, जल्दबाजी मत करना, आना यहाँ पर रुकना। ये देखो ये नाम है सस्ता किनार ये जगह है, ये रोड है, पता नहीं क्या है। ये देखो पूरा क्लीन विलेज है यार, पूरा का पूरा। ये देखो एक भी गंदगी नहीं है यार, मानना पड़ेगा टू बी ऑनेस्ट। ये देख रहे हो, गौर से देखिए शख्स को, गंदगी फैलाने के लिए आया है ये। क्या हुआ? कुछ नहीं, खाली सा मैदान है एक छोटा सा। आई सॉ दैट देयर नो, देख रहे हो? हां सेम। सो आई दैट गाय इज ओपन दैट चर्च फॉर मी, आई एंटर इन द चर्च एंड ही लाइक एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। दैट चर्च इज लाइक 1902 का, 100 साल पुराना, मतलब 120 साल पुराना। एग्जैक्टली, एंड 1920 में तो शूट नहीं हुई थी। 1920 ना मैन, दिस इज 1902 मैन, तो ठीक है ना यार। ओके, मिस्टेक हो जाता है भाई थोड़ा सा ना, वो पता 0220 ना, हाँ आगे पीछे करके लगा लो कहीं पे। सो पे या तो लोकल लोगों के यहाँ पे अपनी खुद की लैंग्वेज होगी, इधर इनको इंग्लिश आती है, अच्छी खासी आती है। सो या तो आप इन्हें इंग्लिश में बात करिए या तो इनकी लैंग्वेज में। हिंदी वेरी फ्यू पीपल नो जो कि नॉर्थ साइड में जा चुके हैं या उन्होंने काफ़ी टाइम वहाँ पे स्पेंड किया हुआ है ना भाई, करेक्ट। सो उन्हें पता है, ठीक है। सो हमें भाई कोई आराम से घूमे, हिंदी इंग्लिश कॉम्बिनेशन हो ही जाएगा। अरे हाँ भाई, आप बात करोगे ना बस अच्छी तरह से, वो मैच कर रहा है, समझ रहे हो बात को? मैं काफ़ी बार बोलता हूँ बात को। और एक चीज़ और, यहाँ कभी भी आना भाई, टाइम निकाल के आना ना भाई, जस्ट स्टे। क्या पता गाड़ी खराब हो जाए, 3 घंटे की लग जाए। भाई हमारी तो गाड़ी खराब हो गई थी यार, वो तो हटाओ, फिर भी आपने टाइम निकाल के ना फैमिली के लिए आना आराम से। भाई आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने अपना बैग, बड़े वाला जो मेरा बैग है वो वहीं पड़ा हुआ है। दैट गाइस सेड भाई आप पैसा फेंक करके चल जाओ, कोई उठाएगा नहीं। मैंने कहा ऐसा मत बोलो यार, मेरा मैट गिरा किसी ने उठा लिया यार, वो तो भाई मेरा मैट गिरा किसी ने उठा लिया भाई। ये नहीं कि किसी ने वेट नहीं करा कि वो बंदा आएगा वो ले जाएगा, बट गांव रियली में बहुत क्लीन है, काफ़ी अच्छा है घूम के। आप आओ फैमिली के साथ, आओ बंदी के साथ, आओ बंदे के साथ, आओ जिसके साथ आना आओ, बट आओ जरूर यार, ठीक है। सो पता नहीं क्या क्या होने वाला भाई, कहाँ जाने वाले, टू बी ऑनेस्ट नहीं पता भाई ना, लाइफ में कुछ और ही हो रहा है। सो अब यहाँ से निकल, बस निकलते हैं यहाँ से कुछ खा पी के, और उसके बाद मिलते हैं, फिर मिलते रहना ना, 3 महीने साथ में ही है मेरे यार ये बंदा, टेंशन ना लो। चलो फिर ठीक है, मिलते हैं।